नमस्कार, डीएनएक्स टीवी में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना, पूरे विश्व में फैल चुके कोरोना पे आज हम ज्योतिषी दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से आकलन करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित संतोष तिवारी, अतिथि प्राध्यापक ज्योतिष विभाग संस्कृत महाविद्यालय रायपुर के। ये कोरोना पर ज्योतिषी आकलन के साथ बताएंगे कोरोना के उत्पत्ति के पीछे का कारण और इसके निदान के उपाय। पंडित जी, डीएनएक्स टीवी में आपका स्वागत है। कृपया बताएं कोरोना की उत्पत्ति के पीछे का आध्यात्मिक और ज्योतिषी कारण। कोरोना एक प्रकार का महामारी रोग है और इस महामारी रोग में कोरोना का जो रूपरेखा का जन्म हुआ वो 26 दिसंबर 2019 को कांकणी सूर्य ग्रहण के 6 ग्रही योग होने से, युति होने से कोरोना का एक वैश्विक रूप में पूरे विश्व में है ना रूपरेखा तैयार हुआ, जिसके कारण मौसम का लगातार का गिरावट आना, कभी बदली आंधी तूफान ने अनेक प्रकार की आपदा का रूप रेखा लिया और उस प्राकृतिक आपदा के रूप रेखा के चलते आज भी 3 ग्रहों का योग है ना। इन 3 ग्रहों के योग और युति से के कारण भी अभी मंगल, गुरु और केतु, ये तीनों ग्रह जो हैं, केतु वो उत्पात योग बनाता है मंगल के साथ में, अग्नि आदि का कारक होता है, और दूसरा केतु महामारी का कारक माना गया है, महामारी आदि प्रकोप को बढ़ाता है और साथ में उसमें गुरु विराजमान है, तो गुरु विराजमान है इसलिए गुरु के कारण इस महामारी का प्रकोप का भारत पर भी असर हुआ है, लेकिन भारत पर इसका कोई विशेष बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। और कुछ देशों में जिन देशों में ग्रहण का असर रहा कांकणी सूर्य ग्रहण का, उन राज्यों में उसमें विशेष रूप से प्रभावशील दिखाई दे रहा है और जिसके चलते यह एक महामारी का रूप रेखा है जो नवरात्र के प्रारंभ काल से, नवरात्र के समय से ही ये समाप्त होना चालू हो जाएगा। पंडित जी, उन मंत्रों के बारे में बताइए जिनका नित्य जाप करके या पूजा पाठ करके इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि मैं बताया कि महामारी से मुक्ति तो नवरात्र से ही मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन उसका मंत्र है दैहिक दैविक भौतिक संतापा राम राज को अपने व्यापा। ये मनुष्य चलते फिरते अनवरत इसका जाप करते रहे, गुंजायमान होता रहे, तो यह विश्व को कंट्रोल इस मंत्र के माध्यम से, रामायण के मंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। और दूसरा जो है ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते, इस मंत्र के माध्यम से मंदिरों में आदियों में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, महामारी को दूर करने के लिए ये मंत्र है। पंडित जी, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, खगोलीय दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरा पे इस वायरस के, छत्तीसगढ़ की धरा में इस वायरस के प्रभाव के बारे में आप बता दें। छत्तीसगढ़ पूरे विश्व मंडल का खगोलीय स्थिति से छत्तीसगढ़ जो है और भौगोलिक और खगोलिक दृष्टि में एक भूमंडल में पूरे विश्व में जो खगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से बीच का माने प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ पूरे विश्व के प्रदेश में विश्व का प्रदेश होने के कारण उसका असर यहाँ पर भी आया। भौगोलिक खगोलिक स्थिति में यहाँ पर यह होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कुल देवता के रूप में जो विराजमान है राजीव लोचन जी, उनका सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उससे ब्राह्मणों का रक्षा होना चाहिए, उनके अध्ययन अध्यापन का केंद्रों को विशेष बढ़ावा दें और गौ का रक्षा होना चाहिए, तभी इस प्रकार के कई प्रकार के आपदाओं विपदाओं से बचा जा सकता है। अच्छे ब्राह्मण तैयार करें देश में, अच्छे लोगों को ज्ञानी विद्वान बनवाएं, तभी मैंने धर्म के माध्यम से इसको आपदा विपदा से बचा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है, विश्व का प्राण है और भारत का प्राण है, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन को ध्यान देना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ का प्रभावी भौगोलिक खगोलिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ का एक सुरक्षित प्रदेश है, इसका सुरक्षा इसका ध्यान रखना पूरे भारत का ध्यान है और पूरे विश्व का ध्यान रखना होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ के खगोलीय दृष्टिकोण से ये प्रातः आपदा विपदा पूर्ण रूप से नष्ट होगा
और इसमें किसी प्रकार से मनुष्य को संशय नहीं होना चाहिए। मेष राशि में सूर्य के प्रविष्ट होते ही यह जो महामारी है वो विनष्ट हो जाएगा।